हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक केयर्स के। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि सैमसंग गैलेक्सी S23 में आप ड्यूल एप्स का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको फ़ोन की सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे जो है एक ऑप्शन मिलेगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं एडवांस्ड फीचर्स की, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगी, आप देख सकते हैं ड्यूल मैसेंजर की, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। एंड देन यहाँ पे आपके फ़ोन में जितनी भी ऐप्स सपोर्ट करेंगी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। जैसे कि फिलहाल यहाँ पे मेरे फ़ोन में दो ही ऐप्स सपोर्ट कर रही है, इसलिए यहाँ पे दो ही शो हो रही है, व्हाट्सएप और स्नैपचैट। चलिए मैं आपको यहाँ पे इन दोनों में से किसी ऐप को ड्यूल ऐप में क्रिएट करके दिखा देती हूँ। चलिए मैं यहाँ पे व्हाट्सएप को क्रिएट करके दिखा देती हूँ। तो आपको जिस भी ऐप को ड्यूल ऐप में क्रिएट करना है, आपको सिंपली यहाँ से उसे ऑन कर देना है। चलिए मैं व्हाट्सएप को कर लेती हूँ। एंड देन यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो जो ड्यूल ऐप है वो इंस्टॉल हो जाएगी, यानी कि क्रिएट हो जाएगी। चलिए मैं आपको होम स्क्रीन पर दिखा देती हूँ। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा पुराने वाला व्हाट्सएप है और जो मैंने अभी जो ड्यूल ऐप में क्रिएट किया वो वाला। दोस्तों, आप यहाँ से जो है इसे अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। आपको सिंपली ऐप के ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है एंड देन यहाँ पर आपको अनइंस्टॉल की ऑप्शन मिल जाएगी, आपको यहाँ पर क्लिक करना है यहाँ से अनइंस्टॉल। तो जो ऐप है वो अनइंस्टॉल हो जाएगी, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि अनइंस्टॉल हो चुकी है।